हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यह एक नंबर एक का संस्थान है जहां पर आप फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 14 को कंप्लीट करवा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको टिप्स भी देता हूँ और ट्रिक भी बताता हूँ। प्रत्येक वीडियो ऐसी होती है मेरी जिस पर आपको यहीं पर सारा कुछ याद हो जाता है, घर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हालाँकि मेरी शर्त ये होती है कि आप कॉपी पेन को लेकर बैठें और जो भी चीज़ हो उसे नोट करते जाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको वीडियो को सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बीच में आपको शेयर करने नहीं जाना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं जेनर डायोड के बारे में कि जेनर डायोड होता क्या है और जेनर डायोड कार्य किस प्रकार करता है और जेनर डायोड के उपयोग क्या होते हैं और जेनर डायोड कितनी बार एग्जाम पर पूछा जाता है, वो सारी चर्चाएँ इस वीडियो पर करूंगा मैं। तो यहाँ पे जेनर डायोड जो है तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस जेनर डायोड से लगभग लगभग परीक्षा में प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस जेनर डायोड की एक महत्वपूर्ण फेयर कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा और मोस्ट तरीके से इसमें वेरी मोस्ट डाल करके इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर इस जेनर डायोड को मैं कैसे समझाऊंगा वो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझते रहिए। जेनर डायोड को मैंने यहाँ पे चित्र बना लिया है। चित्र भी मैंने इसलिए बना लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप चित्र से इसके माध्यम से अच्छे से इसकी डेफिनेशन लिख पाएं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको कॉपी मिलेगी और उस पर क्वेश्चन लिखा होगा जेनर डायोड की सचित्र वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए, तो वहाँ पे आपको उत्तर लिख देना है ऐसे और एक साइड चित्र बना देना है और एक साइड इधर से थ्योरी लिखना स्टार्ट करना है। तो थ्योरी क्या लिखेंगे, लगभग लगभग सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके उपयोग की, जेनर डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों जेनर डायोड का जो उपयोग है वो अनियंत्रित वोल्टता को नियंत्रित वोल्टता के रूप में प्राप्त करने के लिए हम जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जेनर डायोड का। मान लीजिए कोई वोल्टता है, ये निवेशी वोल्टेज है, यहां से ऐसा स्रोत है, ये यहां से हम वोल्टेज डालते हैं, वोल्टेज ड्रा करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो ये अनियंत्रित वोल्टेज, मान लो किसका कोई नियंत्रण नहीं है कि वोल्टेज कितना है, तो इस अनियंत्रित वोल्टेज को हम नियंत्रित करने के लिए इस जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप यही लिख देंगे उत्तर डाल करके, इस उपयोग को ना लिख करके सीधे सीधे यही लिखेंगे। अगर आपसे उपयोग पूछ लिया जाता है तो सिंपल सी भाषा में आप उपयोग लिख देंगे कि जेनर डायोड का उपयोग अनियंत्रित वोल्टता को नियंत्रित वोल्टता में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आप सिंपल सी भाषा में लिखेंगे, उत्तर लिखने के बाद ये अनियंत्रित वोल्टता किस में कन्वर्ट करता है, नियंत्रित वोल्टता में, ये इसका उपयोग हो गया। इसके बाद आपको लिखना है यदि हम ये, अब ये जो ये जेनर डायोड है ये मेन, तो इसके जो ये आर एस है अनियंत्रित वोल्टता का आर एस, ये जो प्रतिरोध लगा है इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। पहले मैं आपको चित्र पूरा समझा देता हूँ फिर आपको बताऊँगा थ्योरी का आपको क्या लिख के आनी है। तो इस आर एस को हम ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि ये जो पश्च दिशा यानी कि पीछे हो, ये जेनर डायोड का रहे पीछे रहे श्रेणी क्रम में। जब हम इनको जोड़ दें इस प्रतिरोध को, तो ये जो हमारा ये है जेनर डायोड, ये पीछे की ओर रहे पश्चिम दिशा की बाहर रहे। तो अब इतनी सी बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो मैं अब आपको डेफिनेशन बताता हूं कि उत्तर में आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहले उत्तर में लिख देना है जेनर डायोड का उपयोग अनियंत्रित वोल्टता को नियंत्रित वोल्टता के रूप में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर आप लिखोगे यदि हम निवेशी वोल्टेज में, यदि हम प्रतिरोध यहां पर लिखेंगे, यदि हम अनियंत्रित वोल्टता आर एस को क्या कर दें, आर एस के प्रतिरोध को इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ें कि जो हमारा जेनर डायोड हो वह पश्च दिशिक बायक हो। कौन सा बायक हो, पश्च दिशिक बायक का मतलब ये जो प्रतिरोध है इसके जस्ट पीछे लगा हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रतिरोध इसके पीछे लगा, इसलिए पश्च दिशिक बायक है। तो सिंपल सी भाषा में आप बोल देंगे अनियंत्रित वोल्टता के प्रतिरोध आर एस को श्रेणी क्रम में हम इस प्रकार जोड़ें कि जो इसके जो भी इसका ये जेनर डायोड है ये पश्च दिशिक बायक हो। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से यदि आप विद्युत धारा इनके बीच में प्रवाहित हो रही है, अगर आप इस निवेशी वोल्टेज का क्या करते हैं मान एक्स्ट्रा दे देते हैं, अगर यहां से 5 वोल्ट जा रहा है तो यहां से आप 10 वोल्ट प्रवाहित कर देते हैं। तो अब मुझे सिंपल सी भाषा में आप ये बताइए कि अगर इधर बीचों बीच वैद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, अगर यहां पे 5 वोल्ट पे वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यहां से हम 10 वोल्ट प्रवाहित कर देंगे, तो जो वैद्युत धारा होगी वो भी ज्यादा प्रवाहित होने लगेगी क्योंकि यहां से वोल्टेज हमें ज्यादा प्राप्त होने लगा। अब सिंपल सी भाषा आप ये समझ लीजिए कि अगर आप
अगर आपको दो रोटियां आप घर में खाते हैं, अगर आपको चार रोटी दे दी जाएंगी तो वहां पे आपका पेट ज्यादा भर जाएगा, पेट में मतलब जगह नहीं रह जाएगी। तो कुल मिला कहने का मीन्स, अगर आप ज्यादा पानी पी लेते हैं तो भी आपको प्यास कुछ ज्यादा ही दूसरे तरीके से ऐसा बिहेव होने लगा है, कुल मिला के पेट आपका बहुत तेजी से भर जाएगा। इसी मेरे कहने का मीन्स ये है कि कोई चीज अगर यहाँ से मैं इधर अधिक करूंगा वैद्युत धारा, यहाँ से मान लीजिए 5 वोल्ट की मैं निवेशी वोल्टेज 5 वोल्ट देता हूँ, तो जी यहाँ वैद्युत धारा होगी वो 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग टू बहेगी। अगर यहाँ से मैं 10 वोल्ट दे देता हूँ तो जो वैद्युत धारा होगी यहाँ से वो 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग टू बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अब आपको लिखना यही है कि यदि हम निवेशी वोल्टेज में वृद्धि कर देते हैं तो अनियंत्रित वोल्टेज तथा जेनर डायोड के बीच बहने वाली वैद्युत धारा में भी वृद्धि हो जाती है, तथा जेनर डायोड में, ये जो जेनर डायोड है इसमें कोई परिवर्तन हुए बिना, क्योंकि इसमें वैद्युत धारा वगैरह वाली कोई बात ही नहीं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें वैद्युत इस जेनर डायोड में बिना परिवर्तन हुए इसके जो सिरे हैं ना, ये अनियंत्रित वोल्टता के आरएस के जो दोनों सिरे हैं इन पर भी वृद्धि हो जाती है। फिर एक बार क्या करेंगे, यदि हम निवेशी वोल्टेज में क्या करते हैं, यदि हम निवेशी वोल्टेज में कमी कर देते हैं तो अनियंत्रित वोल्टता तथा जेनर डायोड के बीच बहने वाली वैद्युत धारा में भी कमी हो जाती है, तथा जेनर डायोड में बिना परिवर्तन हुए इस आरएस यानी कि अनियंत्रित वोल्टता के दोनों सिरों में भी कमी आ जाती है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे पूरा जेनर डायोड जो था समझा चुका हूँ, जिसके समझ में आ गया हो वो वीडियो को छोड़ सकता है, परंतु अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर सकता है, जिसके समझ में नहीं आया वो वीडियो के और अंत तक बना रहे। मैं इसे इस तरह आपके दिमाग में भर दूंगा, इस तरह आपके दिमाग में भर दूंगा कि सपने में भी नहीं आपने सोचा होगा कि इस प्रकार से भी हम फिजिक्स को पढ़ पाएंगे। तो यहाँ से आपको सिंपल सी भाषा में उत्तर डाल देना है, जब भी आपसे जेनर डायोड का सचित्र वर्णन पूछा जाए, और वहाँ पर लिख देना है कि जेनर डायोड का उपयोग अनियंत्रित वोल्टता है कोई, उसको नियंत्रित वोल्टता के रूप में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। काय में किया जाता है, अनियंत्रित वोल्टता को नियंत्रित वोल्टता के रूप में प्रयोग करने में किया जाता है, मतलब अनियंत्रित वोल्टता है कोई, उसको नियंत्रित करना है हमको, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जेनर डायोड का प्रयोग करेंगे। तो ये लिख देंगे आप। फिर इसके बाद ये जो इसमें जो अनियंत्रित वोल्टता का प्रतिरोध आरएस से श्रेणी क्रम में इस प्रकार लगाया जाता है कि ये जो जेनर डायोड हो वह पश्चिम दिशिक बायक हो, कौन सा बायक हो, पश्चिम दिशिक बायक हो। फिर हम क्या करते हैं, यहां से जो निवेशी वोल्टेज जा रहा है इस पर वृद्धि कर देते हैं। अगर हम इस निवेशी वोल्टेज में वृद्धि कर देते हैं तो इनके बीच जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस पर भी वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। परंतु इस जेनर डायोड पर ये जो लगा हुआ है इस पर कोई परिवर्तन हुए बिना, इस जेनर डायोड पर बिना परिवर्तन हुए अनियंत्रित वोल्टता के जो जो दोनों सिरे दिख रहे हैं, एक सिरा ये और एक सिरा ये, इन दोनों सिरों पर भी वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट पर आप लिख देंगे, यदि हम निवेशी वोल्टेज में मान लीजिए वृद्धि कर देते हैं तो वैद्युत धारा में वृद्धि हो जाती है, परंतु अगर मान लें हम कमी कर देते हैं तो क्या होगा। तो अब आप लिखेंगे, यदि हम निवेशी वोल्टेज पर कमी कर देते हैं, निवेशी वोल्टेज पर कमी कर देते हैं तो अनियंत्रित वोल्टता तथा जेनर डायोड के बीच बहने वाली वैद्युत धारा में भी कमी हो जाती है, तथा जेनर डायोड में बिना परिवर्तन हुए इस आरएस के अनियंत्रित वोल्टता के आरएस के दोनों सिरों पर भी कमी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो पॉइंट थे आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि हमें जेनर डायोड के में डेफिनेशन किस प्रकार से लिखनी होती है। रही बात चित्र की, तो आपको एक जेनर डायोड बना देना है और यहाँ से कोई एक निवेशी वोल्टेज से यहाँ से हम कोई वोल्ट प्रवाहित करने के लिए एक लाइन दे देना है, इधर एक प्रतिरोध लगा देना है श्रेणी क्रम में, और इस जेनर डायोड को ऐसा लगाना है कि ये जो प्रतिरोध है इसका पश्चिम दिशिक बायक हो, क्या हो, पश्चिम दिशिक बायक हो, और यहाँ पर एक निर्गत वोल्टेज लगा देना है तो इसका नियंत्रित वोल्टेज, तो इसका प्रयोग यहाँ से पता चल जाएगा कि जो इसका प्रयोग होगा निवेशी वोल्टेज का वह अनियंत्रित वोल्टता को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद यहाँ से जब आप निवेशी वोल्टेज में वृद्धि कर देंगे तो इसके बीच जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसमें पूरी तरह से वृद्धि हो जाएगी, परंतु जेनर डायोड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये जो इनके अनियंत्रित वोल्टता के आरएस सिरे हैं इन दोनों सिरों में भी वृद्धि हो जाएगी। अगर यहां से आप निवेशी वोल्टेज का मान कम कर देते हैं तो इसके बीच जो बहने वाली वैद्युत धारा है उसके बीच में भी वैद्युत धारा में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, परंतु इस जेनर डायोड में बिना परिवर्तन हुए, जेनर डायोड में बिना परिवर्तन हुए क्या होगा, ये जो अनियंत्रित वोल्टता है इसके सिरों के दोनों बीच में भी कमी हो जाएगी। कुल मिला के कहने का मीन्स ये है कि अगर नियंत्रित वोल्टता का मान यहाँ से आप ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो वैद्युत धारा ज़्यादा हो जाएगी, और इस जेनर डायोड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रहे, इस जेनर डायोड में यही लिखना है, बिना परिवर्तन हुए ये अगर यहाँ से आप ज़्यादा निवेशी वोल्टेज दे रहे हैं तो वैद्युत धारा में ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, और अनियंत्रित वोल्टता के आर एस के दोनों सिरों पर भी वृद्धि हो जाएगी। सपोज करो तो आपने यहाँ से निवेशी वोल्टेज को क्या किया, कम कर
कर दिया तो यहाँ से अनियंत्रित वोल्टता और जेनर डायोड के बीच क्या होगा, जेनर डायोड के बीच में जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसमें भी कमी हो जाएगी, परंतु फिर भी इस जेनर डायोड में बिना परिवर्तन हुए यहाँ से जो अनियंत्रित वोल्टता के RS के दोनों सिरे हैं इन पर भी कमी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो सारा टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से एक बार और देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग अनियंत्रित वोल्टता को नियंत्रित वोल्टता में किया जाता है। तो उत्तर में सबसे पहले उत्तर डालने के बाद आप यह लिखेंगे कि जेनर डायोड का उपयोग अनियंत्रित वोल्टता को नियंत्रित वोल्टता में बदलने के लिए किया जाता है। फिर आप लिखेंगे यदि हम इस RS को अनियंत्रित वोल्टता के RS को इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इस प्रतिरोध को कि ये जो जेनर डायोड है पश्चिम दिशिक बायक हो। फिर इसके बाद आप लिखेंगे निम्न यूएसी वोल्टेज में वृद्धि कर देते हैं तो इस RS और जेनर डायोड के बीच बहने वाली वैद्युत धारा में भी वृद्धि हो जाती है, परंतु इस जेनर डायोड में बिना परिवर्तन हुए इस RS के दोनों सिरों में भी वृद्धि हो जाती है। फिर इसके बाद लिखेंगे निवेशी वोल्टेज की का मान यदि हम कम कर देते हैं तो यहाँ पर जो इनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान भी कम हो जाता है। जेनर डायोड में बिना परिवर्तन हुए इसके दोनों सिरों पर भी क्या होता है, इनके दोनों सिरों पर भी कमी हो जाती है। तो उम्मीद करूँगा यह सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।